how we start with this new problem. In this problem, draw the projection of a cube. Okay, ध्यान रखना यहाँ पे क्या बोला है, क्यूब बोला है, क्यूब का सेम. और आपको पता है क्यूब कैसा होता है, सभी साइड कैसी होती है, सेम. मीन्स के दैट इज स्क्वेयर. ओके, तो दैट साइड ओके, ऑल साइड्स आर सेम. ओके, ये भी और कितना बोला, साइड 40. तो ऑल साइड्स आर 40. ओके, सभी साइड कितनी होगी, 40 एम एम की. ओके, सभी साइड सेम है, उसको हम क्यूब बोलते हैं. इज रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन दी एच पी. ओके, आपको क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, मीन्स के एक्स एंड वाई. ओके, कैसे, कॉर्नर से आपको पता है दैट वन इज वी पी, दैट वन इज एच पी. अब यहाँ से इसको देखोगे. ओके, तो अभी आपको क्या दिखेगा, स्क्वेयर ही दिखेगा, क्योंकि ये सभी साइड कैसी है, सेम ही है. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली स्क्वेयर आएगा और यहाँ पे भी स्क्वेयर ही आएगा. ओके, तो आपको यहाँ पे स्क्वेयर ड्रॉ करना है दैट वे एंड दैट वे. बट यहाँ पे क्या बोला है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर. तो आपको ये जो स्क्वेयर है वो इस तरह से आएगा नीचे, और इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. ओके, और क्या बोला है, वन ऑफ द डायगोनल पैरेलल टू एच पी. ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या है, आपको जो डायगोनल होगी, जो आप व्यू ड्रॉ करोगे उसकी, वो आप मैं दिखा दूंगा. ओके, एंड मेक ए एंगल विथ 45 degree विथ वी पी. मीन्स की गिवन डेटा में आपको वी पी में थीटा टू कितना दिया हुआ है, थीटा टू इज 45. ओके, अब आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन. फर्स्ट भी ड्रॉ की एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, क्या ड्रॉ करना है, क्यूब है, तो क्यूब का टॉप व्यू भी क्या आएगा, स्क्वेयर. फ्रंट व्यू भी क्या आएगा, स्क्वेयर ही आएगा. ओके, फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों स्क्वेयर आएंगे. ओके, पर जो आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू आपको कॉर्नर से जॉइन करना है. आपको पता है स्क्वेयर हम कॉर्नर से कैसे जॉइन करते थे, 45 degree एंगल पे. ओके, आपको यहाँ से कितना एंगल लेना है, ओके, दैट वन एंगल टेक 45 degree. ये एंगल आपको क्यों लेना है, कि स्क्वेयर ड्रो करना है, ओके, से कॉर्नर से ड्रो करना है. ओके, साइड पता है, साइड कितनी है, 40 एम एम. तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देता हूँ. ओके, साइड कितनी है, 40 mm. तो आई टेक यू डिस्टेंस 1, 2, 3, 4. ओके, क्लियर. अब मैंने बताया आपको, एक तो आप सर्कल से भी ड्रॉ कर सकते हो और स्ट्रेट भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और एक्स वाई लाइन को पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ. क्लियर, तो ये जो पॉइंट मिल गया, दैट वन पॉइंट सेंटर एंड दैट वन पॉइंट रेडियस. ओके, लेके एक सर्कल दैट वन पॉइंट सेंटर दैट वन, इन दोनों में से आपको पास करना है. ओके, ये नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, आपका सीधे ज्वाइंट ही करनी है, लाइन ही ज्वाइंट करनी है. मीन्स दैट वन पॉइंट, ओके, दैट पॉइंट एंड हो गया. अब इसको मैं रब कर देता हूँ. ओके, आपको सिर्फ स्क्वेयर ही चाहिए, ये तो ओनली मेथड थी, मेथड का कोई काम नहीं है. ओके, क्यूब है तो क्यूब का बेस होगा दैट वन इज बेस एंड दैट वन इज टॉप. तो यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, मीन्स ए बी सी डी, दूसरा 1, 2, 3 and 4. ओके, टॉप और बेस के दो पॉइंट. क्लियर, अब इसका प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ए बी एंड डी
एंड दैट वन इज सी। ओके, ये पिरामिड नहीं है इसलिए यहाँ पे लाइन नहीं आएगी, वो रेफरेंस लाइन थी। दिस इज प्रिज्म, प्रिज्म में बॉक्स आएगा। ओके, इसलिए आप यहाँ से भी उसको देखोगे तो आपको स्क्वायर ही दिखेगा, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिखेगा। ओके, ये पॉइंट ए मिस वन डेज एड इज। ओके, दैट वन इज बी डी टू फोर मिस बी डेज डी डेज टू डेज फोर डेज, चार पॉइंट आएंगे यहाँ पे, सी डेज और थ्री डेज। क्लियर? ओके, ये हाइट भी कितनी आएगी, 40 mm ही आएगी। मीन्स यहाँ से मैं लाइन ले लेता हूँ, अपर प्रोजेक्शन दैट प्रोजेक्शन अपर एंड दैट प्रोजेक्शन इज ऑल्सो अपर। ओके, ये हाइट कितनी रहेगी, 40। क्यों? क्योंकि सभी साइड किसी सेम ही है। ओके, मीन्स हो गया, दैट वन इज ए, दैट वन इज बी एंड डी। तो आप ये वन डेज ए डेज है तो ए डेज को नीचे रखो, मीन्स के वन डेज को नीचे रखो, यहाँ पे मैं ए डेज ले लेता हूँ। दैट वन टू डेज फोर डेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट वन इज़ बी डेज डी डेज। ओके, दैट वन इज़ थ्री डेज, आई राइट हियर सी डेज। ओके, मीन्स ये बेस हो गया और एक टॉप हो गया। क्लियर? अब क्या बोला है? ओके, और ये उसकी डायगोनल हो गई, यहाँ से आप ये डायगोनल, क्योंकि आपको पता है कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइंट होगा वो क्या होगा, डायगोनल होगी। ओके, क्लियर? ओके, दैट वन इज वन डेज टू डेज फोर डेज एंड थ्री डेज। ओके, अब क्या बोला है? सो डायगोनल पैरेलल टू एच पी एंड परपेंडिकुलर टू बी पी। पैरेलल टू एच पी मीन्स कि ये इंक्लाइंड है, तो आपको पैरेलल टू एच पी करना होगा, मीन्स कि एक्स वाई लाइन को पैरेलल। तो आपको इस तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से स्ट्रेट करना पड़ेगा। ओके, इसको इस तरह से स्ट्रेट करना पड़ेगा, तो ये सिचुएशन होगी। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को पैरेलल और वर्टिकल प्लेन को परपेंडिकुलर, यानी आपको यहाँ इसको घुमा के एक्स वाई लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर देना है। ओके, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये इस तरह से डायगोनल, इस तरह से यहाँ पे क्या बोला है, पैरेलल टू एच पी परपेंडिकुलर टू बी पी। तो आपको इसको इस तरह से घुमाना है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और यहाँ वर्टिकल प्लेन होगा तो उसको ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, मीन्स यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दैट वन इज योर डायगोनल लाइन। ओके, इसको मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं सीडेस ले लेता हूँ। सीडेस सेंटर वन डेस रेडियस, मीन सीडेस सेंटर वन डेस रेडियस। ओके, अब क्या करना है, वन डेज सेंटर, वन डेज सेंटर ए डेज रेडियस, मीन्स वन डेज सेंटर ए डेज रेडियस। ओके, वन डेज सेंटर थ्री डेज रेडियस, मीन्स वन डेज सेंटर थ्री डेज रेडियस। नाउ सी डेज, तो सी डेज सेंटर ए डेज रेडियस, तो सी डेज सेंटर ए डेस रेडियस। ओके, एंड सी डेस सेंटर थ्री डेस रेडियस, तो सी डेस सेंटर
थ्री डी स्फेयर। क्लियर हो गया? डायगोनल कैसी होगी? पैरेलल है परपेंडिकुलर। आप इसको जॉइन कर दो, दूसरा वन डे सेंटर टू डे रेडियस, तो वन डे सेंटर टू डे रेडियस सेम, ए डे सेंटर बी डे रेडियस, तो ए डे सेंटर बी डे। ओके, वन डे दैट वन इज योर ए डे, ओके दैट वन इज टू डे फोर डे, दैट वन इज योर बी डे डी डे, ओके दैट वन इज योर सी डे एंड दैट वन इज योर थ्री डे। अब क्या करना है? इसके प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके तो इसके प्रोजेक्शन नीचे, ओके बी डेस और डी डेस थ्री डेस एंड सी डेस, ओके और यहाँ से प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन को पैरेलल, ओके थेट वन ए टू सी, ओके थेट वन इज योर, ओके ये प्रोजेक्शन इस साइड, ओके ये प्रोजेक्शन डाउनवर्ड साइड। अब क्या करना है? सेम ही चीज, ये वन डेस पॉइंट की लाइन है और दैट वन वन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन पॉइंट, ओके ये किसकी लाइन है? ए डेस की, और यहीं पे ए है, मीन्स ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए, ओके ये टू टू डेस और फोर डेस की लाइन है, ओके दैट वन इज टू, तो यहाँ पे टू मिलेगा, ओके और यहाँ पे आपको फोर, ओके दैट वन लाइन इज योर बी डेस डी डेस, ओके और दैट वन इज बी, तो बी, ओके एंड दैट वन इज डी डी डेस, ओके दैट वन इज थ्री डेस एंड दैट वन इज थ्री, थ्री डेस एंड थ्री, दैट वन इज सी डेस दैट वन इज सी। अब आपको ज्वाइंट कैसे करना है? वन टू थ्री एंड फोर, ओके ज्वाइंट कैसे करेंगे? दैट वन इज वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर एंड वन टू फोर, ओके ये टॉप हो गया, ओके अब आप बेस ले रहे हो, तो बेस क्या है? ए बी सी डी, अब ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए एंड ए टू बी, ओके क्लियर। अब टू टू बी ज्वाइन कर दो, दैट वन आउटर लाइन एंड फोर एंड डी, क्योंकि वो टॉप और बेस आपको पता है क्यूब था, यहाँ पे क्यूब था, तो टॉप और बेस को भी जो ज्वाइन करेगा ना, तो दैट वन नाइन, ओके ओके। अब आपको पता है जो आप ये टॉप का पार्ट आपको पूरा दिखेगा, दैट वन, ओके दैट वन पार्ट आपको पूरा दिखेगा, मीन्स ये अंदर की लाइन है, मीन्स ये जो ए टू बी और ए टू डी और वन टू ए वो अंदर की साइड आएगा, ओके तो वो कैसा आएगा? डॉटेड लाइन आएगी, ओके तो मैं यहाँ से ये अंदर ड्रॉ कर देता हूँ, मीन्स ये दैट वन लाइन ही जो डॉटेड लाइन वन टू ए, वो अंदर की साइड है, इसलिए इसको रोटेट ड्रॉ करना है। क्लियर? ओके ओके। अब क्या बोला है? मेक ए एंगल 45 डिग्री विथ वीपी, वीपी मीन्स थीटा टू, तो आपको यहाँ से थीटा टू मीन्स इस ऑब्जेक्ट को आपको, इस ऑब्जेक्ट को आपको कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे रोटेट करना है, ओके इस ऑब्जेक्ट को आपको 45 डिग्री पे रोटेट करना है,
ओके 45 डिग्री मीन्स कि यहाँ से मैं पॉइंट ले लूँगा, वहाँ से एंगल कितना लूँगा 45 डिग्री। ओके दैट वन एंगल थीटा टू 45 डिग्री। ओके अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पूरा बिठाना है। ओके तो ध्यान से देख लेना। ओके आपके पास लेंथ तो दैट वन 1.1 सेंटर सी रेडियस का मैं यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं 1 पॉइंट ले लेता हूँ। ओके तो यहाँ आ जाएगा। ओके ओके 1 सेंटर सी रेडियस तो दैट वन इज 1 दैट वन इज सी। ओके तो दैट 1 पॉइंट एंड दैट पॉइंट। ओके दैट 1.01 0.06। ओके अब क्या करना है, 1 सेंटर ए रेडियस, 1 सेंटर ए रेडियस, 1 सेंटर 3 रेडियस तो 1 सेंटर 3 रेडियस तो यहाँ पर मैं 1 ले लिया, दैट वन इज योर ए एंड दैट वन इज योर 3। ओके अब यहाँ पे देख लो 1 सेंटर 2 रेडियस। ओके तो यहाँ पे क्या करना है, 1 सेंटर 2 रेडियस। ओके दैट वन सेम 1 सेंटर 4 रेडियस तो 1 सेंटर 4 रेडियस। क्लियर सेम 3 सेंटर 2 रेडियस, 3 सेंटर 2 रेडियस तो दैट वन इज सी 3 सेंटर 2 रेडियस एंड सेम 3 सेंटर 4 रेडियस तो 3 सेंटर 4 रेडियस। तो यहाँ पे आपको मिल गया 0.2 एंड दैट वन इज योर 0.4। ओके इसको जॉइंट कर दो 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 1। क्लियर अब सेम ही चीज करनी है ए, तो ए सेंटर बी रेडियस तो ए सेंटर बी रेडियस, ए सेंटर डी रेडियस तो ए सेंटर डी रेडियस। ओके सेम सी सेंटर बी रेडियस एंड सी सेंटर डी रेडियस तो सी सेंटर इस आर को इंटर से ओके बस सी सेंटर थेट वन आर। ओके तो यहाँ पे आपको मिल गया थेट वन इज बी एंड थेट वन इज योर डी। ओके आपको पता है जो बी और सी और सी और डी क्या है, डार्क है, बी और सी एंड सी ओ डी वो लाइन डार्क है। ओके बाद में बी टू टू ज्वाइन करना है और डी टू फोर मीन्स बी टू टू एंड डी टू फोर। क्लियर ओके और थ्री टू सी, थ्री टू सी क्लियर। ओके अब जो बी टू ए, बी टू ए वो डॉटेड है, ए टू डी बी डॉटेड है एंड ए टू वन बी डॉटेड है। यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा दैट वन लाइन इज योर डॉटेड लाइन। ओके ए टू बी, ओके हो गया ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड टू 1 B A, इसको मैं रख इरेज कर देता हूँ, सेम 3 C D and 4। ओके और यहाँ के प्रोजेक्शन इस साइड मीन्स एडेस बी डेस डी डेस दैट वन डायगोनल ये 1 डेस और सी डेस
कितना उससे है, 2 days 4 days सेम ही चीज़ करनी है, ये 2 point है, 2 point की लाइन और दैट वन इज 2 days, तो 2 days and 2 यहाँ मिलेगा 2 days, 1 point लाइन एंड दैट वन इज 1 days, तो 1 days यहाँ पे मिल गया आपको 1 days, ओके, दैट वन इज बी पॉइंट एंड दैट वन इज बी डेज, तो हियर मार्क बी डेज, दैट वन इज ए एंड दैट वन इज ए डेज, दैट वन यू मार्क है नाउ सेम 3 point लाइन एंड 3 days लाइन, 3 and 3 days यहाँ पे मिली आपको 3 days, ओके, ये 4 point लाइन और यहाँ पे 4 days, 4 और 4 days आपको 4 days, ओके, दैट वन इज सी एंड दैट वन इज सी डेज, तो यहाँ पे आपको मिल गया सी डेज, दैट वन इज डी पॉइंट लाइन एंड दैट वन इज डी डेज, तो यहाँ पे मिल गया आपको डी, ओके, अब क्या करना है आपको, 1 days 2 days 2 days 3 days 3 days 4 days जॉइंट, ओके, 1 days 2 days 3 days 4 days, ओके, 2 days 3 days सेम, 8 days 2 days 3 days 3 days 8 days 2 days एंड 2 days 3 days क्लियर, और ओके ओके नाउ यू जॉइन A2 1 days B2 2 days ओके सेम D-2 4 days एंड C-2 3 days ओके योर बॉक्स लाइक दैट क्लियर ओके दिस इज योर इनर साइड ओके ऑब्जेक्ट और दैट इज योर हिडन लाइन ओके एंड दैट 8 days and 1 days और ऑल्सो इन साइड दैट इज योर हिडन लाइन क्लियर दैट 2 lines आर हिडन बट हियर एंड हियर लाइन यूर आउटसाइड ओके यू सी दैट ओके ये एंगल मैंने 45 भी लिया था इसलिए इस तरह से सेप आया था आपको अलग अलग तरह से दिया होगा तो सेप आपका थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा क्लियर ओके दैट इज आंसर थैंक यू